हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड लिविंग योर हेल्दी वेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ टू द फुलेस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी किससे होगी ये हम देखेंगे इन द टैरोट रीडिंग। यहाँ पे मैंने आज दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, पाइल नंबर 2 इज मिस्टिक हीलर। पाइल नंबर 1 ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। पाइल नंबर 2 इज मिस्टिक हीलर। आपको गाइस जो भी पाइल सबसे ज्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हो तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस हम इस रीडिंग में कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा जान सके। हम चैनल मैसेजेस निकालेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली कैसे दिखते हैं या उनका प्रोफेशन क्या है या उनकी लोकेशन क्या है। हम डीपली ये जानने की कोशिश करेंगे। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, आपको कब मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं वो, और आपकी शादी कब तक होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ, जस्टिस, टेम्परेंस, वाओ, गाइज ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं पाइल नंबर 1। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स आपकी बहुत ही रोमांटिक लाइफ होगी इवन बिफोर योर मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है। सोलमेट कनेक्शन भी है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट। ओके ओके, वाव, ओके, पाइल नंबर 1, मैनी ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं to get married with him or her. Yes, I think कोई particular एक इंसान है, आप उसी को manifest कर रहे हैं। And मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये self doubt भी है कि वो आपको you know एक अजीब सी vibe आ रही है। इंट्यूटिवली जैसे आपको पता है कि वो इंसान यू नो थोड़े फ्लर्टेशियस नेचर के हैं, इवन दो आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, बट शादी के बाद और शादी के पहले ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है। अभी जो जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 1, उनकी करंट सिचुएशन, आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन, अभी एक वो ऐसे इंसान है जो ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा यू नो उनकी लाइफ में बैलेंस की कमी दिख रही है मुझे, एंड वो ट्रस्टवर्दी भी नहीं है अभी करंट सिचुएशन में। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उन पे ज़्यादातर लोग या ऐसे कोई रिलेशन उनके लाइफ में नहीं बिल्ट हुए हैं जो कोई उनके लिए रेकमेंड करे कि वो ट्रस्टवर्दी इंसान है। कई सारे लोग यही बिलीव करते हैं कि यू नो इमैच्योर हैं या मे बी दे आर नॉट एबल टू कीप देयर प्रोमिसेस क्लियरली।
वो किसी को भी प्रॉमिस कर देते हैं बट वो निभा नहीं पाते हैं, वो भूल जाते हैं या निगलेक्ट करते हैं, ये उनकी हैबिट में है करंटली। बट जब आपकी शादी की बात आएगी उनसे, आपकी जब शादी, यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पहले रिलेशनशिप में रहेंगे, कुछ टाइम तक आप डेट करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। एंड जो ये देख रहे हैं पाइल नंबर वन व्यूअर्स, आई थिंक उनका मेजर रोल रहेगा उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी में। आप उनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ लॉयल्टी, सेंस ऑफ ऑनेस्टी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, आप सब ये सब क्वालिटीज उनको सिखाओगे, आप पाइल नंबर वन। एंड आप तीनों बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, आपको पता है व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आपको पता है आप किस तरीके के रिलेशंस चाहते हो, किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हो आप अपने आसपास। यू आर वेरी इंट्यूटिव और आप अपनी गट फीलिंग के अलावा किसी की नहीं सुनते हो। स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज आ रहा है, स्ट्रांगली आप बहुत ही सेल्फ फोकस्ड हो, सेल्फ रिलायंट, आप यू नो अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो पाइल नंबर वन। आपके फ्यूचर स्पाउस नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छे इंसान हैं, बट उनको जो क्वालिटीज हैं, जो लाइफ की क्वालिटीज होती हैं, जिनसे रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होती है फॉर एनी रिलेशनशिप, वो आप उनको सिखाओगे। और ये यू नो ये सब आपसे सीखने के बाद ना, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन की इमेज में आएंगे, मुझे क्लियरली दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी फिर इनकी हो जाएगी, नो वन कैन स्टॉप हिम और हर। वो इतनी तेज गति के साथ फिर अपने यू नो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी फिर उनमें। और उनके साथ यू नो डिवाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की परफेक्ट वो एक इमेज बनेंगे। आपका रिलेशनशिप में, मतलब जो ये पाइल नंबर वन जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जो ये देख रहे हैं पाइल नंबर वन, वो ज्यादा यू नो इस रिलेशन को या इस शादी को ज्यादा वो कैरी ऑन करेंगे, वो ज्यादा अथॉरिटी पोजिशन पे रहेंगे, वो डोमिनेटिंग रहेंगे इस शादी में। टीम वर्क भी बहुत ही ज्यादा रहेगा आपका, कोई भी ना आप ना आपके फ्यूचर स्पाउस कोई अकेला नहीं होगा इस रिलेशन में। मुझे ऐसा लग रहा है 6 to 9 months की आपकी डेटिंग का टाइम रहेगा, तब आप उस टाइम पीरियड में आप ये सोचोगे पाइल नंबर वन कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है इस इंसान को मैनिफेस्ट करके फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। बट आई डोंट थिंक कि आपको यू नो आप डिलेमा में रहोगे, बट ये पर्सन जब आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब फिर देखना इनमें क्या चेंजेस आते हैं, तब फिर आपको लगेगा कि नहीं आपने कोई गलती नहीं करी है। बिकॉज आप उनको सिखाओगे ये सारी चीज़ें, आप यू नो आप इंटेंशनली नहीं सिखाओगे, बट वो आपको देख के, आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, आपकी वे ऑफ लिविंग को देख के वो पूरे बदल जाएंगे, अपसाइड डाउन पूरा इनका लाइफ में चेंज आ जाएगा। एंड जो इनकी लाइफ में फिर चेंजेस आएंगे, दूसरे भी देख के इतने परेशान और हैरान हो जाएंगे कि ये एकदम से इतने कैसे बदल गए और एकदम से इनकी लाइफ में इतनी तरक्की, इतना वो यू नो उनका पूरा करियर का ग्राफ ही बूस्टअप हो जाएगा। सो बाकी सब देख के इतने हैरान हो जाएंगे कि इतना कैसे, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में अपने करियर के साथ। लेट मी टेल यू गाइस,
बहुत ही ज्यादा यू नो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन देंगे ये। लेट्स ट्राई टू सी मोर, देन हम उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे और इनिशियल्स भी देख लेंगे। आई डोंट थिंक कि आप कोई हरी में हैं या कोई जल्दबाजी में हैं आप अपनी शादी को लेकर। पाइल नंबर वन इज सो रिलैक्स, सो चिल्ड, एंड मुझे सब चैनल मैसेज आ रहा है कि पाइल नंबर वन जिन्होंने भी सिलेक्ट की है वो खुद इतने यू नो जैसे आपकी कार्ड का सिलेक्शन था ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, आप बहुत ही ज़्यादा यू नो थैंकफुल होते हैं यूनिवर्स को, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं आप आपकी जो भी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए, एंड आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो ठहराव है आप में, आपके नेचर में। तो इन सब क्वालिटीज़ को देख के वो तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे डेफिनेटली। अगेन टू ऑफ कप्स, ओ माई गॉड गाइज, आपको क्या कन्फर्मेशन चाहिए? क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी गाइज, वो आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपकी क्वालिटीज को देख के। यू नो आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर मुझे लग रहे हो, कैरिंग, एंड जैसे मैंने कहा आपने जो पाइल सेलेक्ट करी है ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, आप में बहुत ही ज़्यादा ग्रेस है। यू नो आप जानते हो कि कैसे ग्रेसफुली खुद को कैरी करना चाहिए, तो वही देख के वो आप पे फिदा हो जाएंगे। एंड इतना इतने ज्यादा चेंज होंगे, मुझे लगता है कि यू नो वो ऐसे किसी घराने से हैं या ऐसे परिवार से हैं जहां पे यू नो खानदानी पैसा जिसे कहा जाता है, खानदानी शोहरत, वैसे किसी घर से हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत यू नो अभी उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा है अभी, बट जैसे ही आप उनकी लाइफ में आओगे वैसे उनमें इतना बदलाव आएगा और वो सीरियस हो जाएंगे और जान जाएंगे कि उनको कैसे जीना है। बहुत ही ज़्यादा मच्योर वो फिर, और मच्योर और एक यू नो रिस्पॉन्सिबल वे में वो बिहेव करेंगे, एंड अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा समझेंगे। गाइस आपकी रीडिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड स्ट्रांग आ रही है। वाओ वाओ, टेन ऑफ पेंटेकल्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हैप्पीली मैरिड लाइफ, पाइल नंबर वन। वाओ, आपके सोलमेट हैं डेफिनेटली। सी और कोई जाने के ना जाने आपकी वर्थ, बट वो आपकी यू नो आपकी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत वैल्यू करेंगे। वो किसी और को वो चाहे अपनी लाइफ में इतना वैल्यू करे ना करे, बट आपको वो बहुत ही ज़्यादा मान देंगे, रिस्पेक्ट, प्यार, प्यार तो भर भर के आपके लिए ही है, उनका प्यार जो भी है वो सब आपके लिए है। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है जितने दिन आप उनसे फिर अलग रहोगे उतने दिन वो आपके बिना यू नो तड़पेंगे आपकी शादी के बाद। ये आपकी शादी के बाद ये इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेस पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा यू नो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ ये खुद बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंसिबल हैं, यू नो बहुत ही ज़्यादा उनको सारी यू नो एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि सारा उनको ही हैंडल करना है, कैसी पोजीशन पे वो आएंगे। एंड इतने ज्यादा वो मच्योर हो जाएंगे कि शायद आपको लगेगा कि आप कभी कभी थोड़ी यू नो चाइल्डिश हरकतें करते हो उनके सामने, बट इतने वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे आफ्टर योर मैरिज। हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स हैं
या कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो इस शादी के खिलाफ होगा? हो सकता है एक या दो पर्सन ऐसे होंगे जो आपकी शादी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे लग नहीं रही है कि वो ड्रैग होगी या वो ज़्यादा टाइम रहेगी, जल्दी ही सुलझ जाएगी वो सिचुएशन, क्योंकि फाइनल कार्ड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो यू विल बी इन अ वेरी गुड एंड हैप्पी एंड चिल्ड आउट लाइफ, सो वो आपको टेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर वन, ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपकी शादी के बाद के कभी कभी वो इतना काम में या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना खो गए हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं जितना आप डिजर्व कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको भूल गए हैं, या आपको बेसिकली वो टाइम कम दे पाएंगे क्योंकि वो इतने बिजी हो जाएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो अभी प्यार नहीं कर रहे हैं आपसे, या मे बी उनका ध्यान कहीं और है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि एक बार उनको सक्सेस का चस्का लग जाएगा फिर वो पीछे नहीं हटेंगे, वो बस नाम और शोहरत के पीछे भागते रहेंगे। नाम और शोहरत और आप, ये इनकी प्रायोरिटीज रहेंगी, दैट्स इट। फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ स्टेबल एंड सिक्योर रहेगी। जो फीमेल्स हैं इस रीडिंग को, जो फीमेल्स देख रही हैं, जो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही हैं, हो सकता है कि शादी के बाद कुछ टाइम के बाद वो एज अ हाउसवाइफ अपनी ज़िंदगी चूज़ करेंगी, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है उनकी फैमिली में करने को, उनको इतना टाइम नहीं रहेगा, सोशल वर्क ज़्यादा रहेगा, गैदरिंग्स हो गई या ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ हो गई जो वो घर पे बैठ के ही करना पसंद करेंगी, वो बाहर इंडिविजुअली जाके वर्क नहीं करेंगी। एंड जो मेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं फॉर देयर फ्यूचर वाइफ, वो अपनी वाइफ को एक ऐसी लाइफ देंगे कि वो बस बैठ बैठ के हुक्म चलाए। बेसिकली फीमेल इस सिचुएशन में रहेगी पाइल नंबर वन में, कि वो एक बहुत ही अच्छी एक शादी के बाद एक पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, एंड बस उनको ऑर्डर करना रहता है, बाकी सब कुछ अवेलेबल होगा उनके सामने, बट वो एक सोशल ऐसी पोजीशन पे रहेंगी जहाँ वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, एक लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कम्युनिटी, तो उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कि उनको सोशली ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मेल्स इस कनेक्शन में रहेंगे शादी में, वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशंस वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से हैंडल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा नाम एंड शोहरत बहुत कमाएंगे वो। यस, नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी कैसी रहती है और उनके प्रोफेशन के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शाय, हो सकता है वो शाय हो अभी। क्लासी, यस, उनकी चॉइसेस, उनकी लाइफस्टाइल क्लासी हो जाएगी, सैवेज सैवेज हो सकते हैं वो नेचर के, ग्रे हेयर उनको हो सकते हैं, डिसेंट पर्सनालिटी, यस, बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड डिसेंट चॉइस है उनकी, मे बी इसीलिए वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ब्लू आइज हो सकती हैं उनकी, पायलट हो सकते हैं वो बाय प्रोफेशन, फ्रेंडली फ्रेंडली आपसे ज्यादा रिलेशन रहेगा उनका। ग्लासेस, हो सकता है वो ग्लासेस वेयर करते हो, उनको आई साइट की प्रॉब्लम हो,
स्मॉल आईज हो सकती है उनकी, सिंगर हो सकते हैं वो बाय प्रोफेशन, गुड लुक्स, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा। बैंकर हो सकते हैं वो बाय प्रोफेशन, डाइड हेयर, यस मे बी उनको ग्रे हेयर है इसीलिए वो डाई करते होंगे अपने बालों को। ओके गाइज, हम अभी देख लेते हैं उनके कुछ इनिशियल्स। ओके, डी यू ए एक्स, मे बी किसी किसी के सिचुएशन में ये एक्स पर्सन हो सकते हैं जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर वन, बी क्यू ई एस पी जे क्यू डी एंड बी। ओके, एस पी स्पेशल पर्सन, आपके स्पेशल पर्सन हो सकते हैं ये, यस। ओके, पाइल नंबर वन, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू को सेलेक्ट किया है, लेट्स सी देयर रीडिंग फॉर देयर फ्यूचर स्पाउस, लेट्स बिगिन। आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर टू को सेलेक्ट किया है वो एक बहुत ही ज्यादा यू नो काम नेचर के इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा शांत हैं, ज्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा यू नो काम पर्सनालिटी हैं वो। वाइट मे बी हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो, एंड आप जानते हो कि किस सिचुएशन में कैसे आपको हैंडल करना है, यू नो आपको देख के लोग सीखते होंगे कि अपने आप को हील कैसे करें, अपने आप को शांत कैसे रखें। पाइल नंबर टू, लेट्स सी द रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ओके, वाओ, ओके। फाइल नंबर टू, आई थिंक आप बहुत ही ज्यादा शांत तो हैं बट कहीं ना कहीं यू नो अंदर से आपको सैडनेस भी है बहुत ही ज्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शांत यू नो आप जानते हो आप खुद को कैसे आपको शांत करना है या यू नो हील कैसे करना है आपके जो भी वूंड्स हैं उसमें से, बट कहीं ना कहीं आप सैड भी इतने ही ज़्यादा हो। मे बी हो सकता है आपको पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए हो। आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उसमें से बाहर निकलने की, बट स्टिल उसके कोई ना कोई यू नो मार्क्स आपके दिल पे छपे हैं, कोई ना कोई ऐसी निशानी है या कोई ना कोई ऐसा नहीं भी हो सकता है आपका जो भी पास्ट रहा हो, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका, उसकी कोई ना कोई एक निशानी या ऐसी गिफ्ट या कुछ ऐसा है जो स्टिल आपके पास है और आप उसको देख देख के कभी कभी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हो।
ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबको यू नो रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज था ये। पायल नंबर टू जिन्होंने सेलेक्ट की है, आई थिंक उनको किसी सेलिब्रिटी पे बहुत ही ज़्यादा हैवी क्रश है। कोई ऐसी एक सेलिब्रिटी है जो उनको लगता है यू नो उनकी रीच से बाहर हैं। कभी भी आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी वो उनको मिल नहीं पाएंगे या उन्हें देख नहीं पाएंगे, वैसी कोई सेलिब्रिटी पे आपको क्रश है एंड आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्टली वैसा हो या वो ही हो। यस और जो पायल नंबर टू जिन्होंने सेलेक्ट किए वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही ज़्यादा यू नो शांत और एक ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव आपका नेचर है। आपको पता है कि आपको यू नो आपको अंदर से साइंस मिलते हैं, आप अलाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा हो विथ योर विथ यूनिवर्स विद द यूनिवर्स। सो आप यू नो मैनिफेस्ट तो करते ही हो बट आप अपनी गट फीलिंग पे बहुत ही ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आप उस जो कनेक्शन आपका था या जो रिलेशनशिप आपका था उससे आप अभी कंप्लीटली बाहर नहीं आए हो। हालांकि आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी है, आपकी शादी एक ऐसे पर्सन के साथ होगी जहां आप यू नो आपकी जैसे शादी होगी उसके साथ, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, आपको उसमें से वो कंप्लीटली बाहर लेके आएंगे क्योंकि आप आपको वो पर्सन ढेर सारी खुशियां देने वाला है। स्टिल आप उस पास्ट में से निकलने का यू नो आप कभी कभी आपको फिर भी वो ख्याल आएगा आपकी शादी के बाद भी। जो ये फीमेल्स रीडिंग देख रही हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं नेचर में, ब्लंट हो सकती है, सैवेज किस्म की हो सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू नो ब्लंट हैं, उन्हें जो बात नहीं पसंद या जो पसंद है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है। और जो मेल्स हैं जिन्होंने पायल सेलेक्ट की है वो बहुत ही ज़्यादा यू नो डोमिनेटिंग है, वो हर एक चीज़ चाहते हैं शुड बी डन देयर ओन वे, वो किसी और की मर्जी नहीं चलने देते। बट जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आई थिंक कंप्लीटली आपसे ऑपोजिट रहेंगे, वेरी इमोशनल, वेरी चार्मिंग, वेरी बबली सॉर्ट ऑफ उनका नेचर होगा, बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते होंगे, बहुत ही ज़्यादा यू नो फनी होंगे, इसीलिए शायद आपको वो पसंद है या जो आपके सेलिब्रिटी क्रश हैं इसीलिए वो आपको पसंद है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के हो या यू नो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो, तो आपको वैसे लोग पसंद आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फनी होते हैं या यू नो दे नो हाउ टू चीयर एवरीवन अप, किसी को कैसे हंसाना हो या किसी को कैसे यू नो अपनी बातों में उलझाना हो या बातों से अट्रैक्ट करना हो, आपको वैसे लोग पसंद आते हैं। आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को, या मे बी आप चाहते हो जो आपके क्रश है, आपके सेलिब्रिटी क्रश है या जिस पे आपको क्रश है, आप वैसे पर्सन को चाहते हो आप अपनी लाइफ में लाना एज योर फ्यूचर स्पाउस, और आप उस पे ना बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ वर्क कर रहे हो। बट जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं आपके लिए इमोशनल बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, लविंग एंड केयरिंग बहुत ज़्यादा रहेंगे। यू नो केयर इट्स नॉट अबाउट के शोइंग ऑफ दैट दिन में 20 बार 25 बार कॉल कर दिया या दिन में आई लव यू बोल दिया, ऐसे नहीं होगा। वो अपनी एक्शंस के थ्रू उनकी केयर शो करेंगे आपके लिए, छोटी छोटी यू नो आपकी छोटी छोटी फैसिलिटी पे ध्यान देना,
आपको कोई तकलीफ ना आए वो ध्यान देना। कभी आपको कोई अगर हेल्थ इश्यू हो गया तो वो रहेंगे आपके पास हर समय आपकी केयर करने के लिए। आपको कोई भी फ्यूचर में तकलीफ वो आने नहीं देंगे, वो ऐसे केयर शो करेंगे, शो ऑफ के लिए नहीं, एक्चुअल में आपकी केयर करेंगे। यस आपको शायद लग रहा होगा कि मे बी इम्पॉसिबल है ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना या उस पर्सन को अट्रैक्ट करना। मे बी हो सकता है जिस पे आपको क्रश हो उसी से आपकी शादी हो जाए। हम आगे देखने की कोशिश करेंगे बट चांसेस आर देयर, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है मुझे बहुत ही ज़्यादा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुझे ये मैसेज आया कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है रादर देन इमोशनल। इमोशनल तो है बट सेंसिटिव बहुत है, उनको किसी की तकलीफ वो देख नहीं पाते। और सबसे क्लोज आपसे रिलेशन रहेगा उनका, क्योंकि आप उनके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, आप उनके स्पाउस बेटर हाफ रहेंगे, तो वो आपको कभी तकलीफ में नहीं देख पाएंगे। जैसे ही आप मे बी कभी सैड हो जाओगे या कुछ बात को लेकर आपको एंजाइटी होगी तो वो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू सी मोर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी पायल नंबर 2। आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता भी है आपकी टेक्निक्स या आप जो कर रहे हो आप सही डायरेक्शन में हो, फिर भी आपको कभी ना कभी ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि वेदर इट विल कम ट्रू और नॉट। पता नहीं क्यों मिस्टीरियस काइंड की आपकी पर्सनालिटी मुझे लग रही है थोड़ी बहुत। पाइल नंबर 2 आपको शायद ऐसे लगता है कि आप अगर सबको जैसे कोई आपका फ्रेंड हो गया या कोई ऐसा रिलेशन हो गया, आप सबसे ये बातें आपकी सीक्रेट शेयर करोगे, जैसे आप अपने फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को, या अपने जिसके साथ आपकी रिलेशन होगी या शादी होगी आप उसको अपने सीक्रेट बता दोगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको आई थिंक ऐसी फीलिंग है, आप शायद इस बात से इनसिक्योर हैं। ओके यस, आप जो भी है पाइल नंबर 2 आप बहुत ही ज़्यादा ब्लंट वे में बोल देते हो, क्योंकि आई थिंक आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा पास्ट में। श्योर, बट डोंट वरी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, बहुत ही स्टेबिलिटी वाली ये कनेक्शन रहेगी। यस, ओ माय गॉड, ओके वाओ। हम वेडिंग के लिए, शादी के लिए रीडिंग देख रहे हैं और शादी का कार्ड ही आ गया। वाओ नाइस। पायल नंबर 2 आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे आपसे एज में छोटे हैं। अगर फीमेल्स भी ये रीडिंग देख रही हैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपके फ्यूचर हस्बैंड आपसे एज में यंग हो सकते हैं, और अगर जो मेल्स देख रहे हैं फॉर द फ्यूचर वाइफ उनका भी एज डिफरेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का एज गैप है। एंड पायल नंबर 2 आपकी जिससे शादी होगी, प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के साथ, सो डोंट वरी, आपको अपने आप को तकलीफ दे के आपकी लाइफ नहीं आगे जीनी है, आपको खुद को तकलीफ नहीं देनी है। बट हाँ,
हो सकता है कि थोड़ा आपको वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान धोखेबाज नहीं होता है। दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। पायल नंबर टू में भी आपका एक्सपीरियंस एक ऐसे इंसान के साथ रहा होगा, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे आर सो जेन्युइन, सो लॉयल। वो इन जनरल एक बहुत ही ज़्यादा प्योर, एक ज़्यादा लॉयल, एक ऑनेस्ट सोल हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उन्हें किसी का दुख तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और मे बी वो पहले ऐसे इंसान होंगे जो वो उनको हेल्प करेंगे जो नीडी हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, चाहे आप कितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप शादी के बाद गुस्सा भी कर दे, चाहे छोटी छोटी बात पे आप नाराज़ भी हो जाएं, बट वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा मासूमियत के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ आपको मना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। बेसिकली आपको प्यार करना सिखाएंगे। आपको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होगी, एंड शादी में आप एक फॉर्मल जैसे कपल होता है ना, वैसे आप क्यूट से दिखोगे आप दोनों। आप पे कभी बर्डन नहीं आने देंगे आपकी शादी के बाद। कोशिश यही करेंगे कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं आपकी, पूरी जो भी आपकी आपकी जिम्मेदारियां हैं या फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, वो कोशिश करेंगे वो खुद ही उठाएं। बट आप, मुझे लग रहा है ये आपका इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन रहेगा। आप दोनों इक्वली इस शादी को आप दोनों इक्वली निभाओगे। शादी आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। आई थिंक पाइल नंबर टू जो आप ये देख रहे हो रीडिंग, वो थोड़े इमोशनल कम रहेंगे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहेंगे इस कनेक्शन में। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है कि शादी को वो बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं, शादी को वो एक प्योर कनेक्शन मानते हैं। सो वो उस नजरिए से देखते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा निभाएंगे, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन को वो नर्चर करेंगे। वो ऐसे नहीं मानते कि नसीब होता है, खराब नसीब होता है, या नसीब ऐसा होना होगा मेरी डेस्टिनी में इसलिए हुआ है। नो, वो हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में वो सल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप नाराज होते हो वो आपको मनाएंगे, हर पॉसिबल वे ढूंढेंगे कि आप मान जाओ, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आ जाए। और बहुत ही ज़्यादा उनमें हिम्मत है, वो कभी कभी वो बैक ऑफ नहीं करेंगे। ओके, पायल नंबर टू हम देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा थोड़ा, और देख लेते हैं कि वो प्रोफेशनली क्या करते होंगे। पायल नंबर टू, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हो, और अगर आपको पसंद आ रही हो रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड अगर जिससे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है या रेजोनेट भी हो रही है आपसे ये रीडिंग। ओके, लॉन्ग फिंगर्स, हो सकता है कि उनके लॉन्ग फिंगर्स हो। टॉल, यस, आपसे टॉल होंगे वो बहुत ही ज्यादा। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं उनके। लॉयल, यस, जैसे मैंने कहा था ये बहुत ही ज्यादा लॉयल होंगे आपसे। क्यूट फेस हो सकता है उनका। इंजीनियर, मे बी हो सकता है वो इंजीनियर हो, आईटी से हो, या मे बी कोई इंजीनियर हो स्पेसिफिक। डॉक्टर, वाओ,
बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड लग रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ब्लैक आइस, ब्लैक आइस हो सकती है उनकी, आलमंड आइस, बहुत ही खूबसूरत होंगी उनकी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यूट फेस, ब्लैक आइस, आलमंड आइस, वाओ। फीचर्स काफी अच्छे होंगे उनके। ब्राउन आइस, ब्राउन आइस भी हो सकती है किसी किसी की। जोवियल, जोवियल नेचर के होंगे, यस जैसे मैंने कहा था, बहुत ही ज्यादा फनी नेचर के होंगे। ब्यूटीफुल स्माइल, वाओ। आईटी प्रोफेशनल, गाइस पायल नंबर टू, आई थिंक आपके फ्यूचर्स पास वेल क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं एंड खूबसूरत होंगे बहुत ही ज्यादा। कॉन्फिडेंट, यस डेफिनेटली, इतने हाई प्रोफाइल हैं तो कॉन्फिडेंट तो होंगे ही। ओके, कुछ इनिशियल्स भी हम देख ही लेते हैं उनके। ओके, एच, ओके, एच एच दो बार आया है, ए एफ डी सी वी के बी एस जे क्यू सी जे एंड आई। ओके ओके, पायल नंबर टू, आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।